आज समय ने बहुत ही क्रूर मजाक किया है। कल आधी रात के बाद प्रख्यात फिल्म पत्रकार, फिल्म पत्रकारिता के शलाका पुरुष कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी ने आखिरी सांस ली। इस पृथ्वी ग्रह को छोड़कर अनंत अंतरिक्ष में लीन हो गए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव हमारे अभिन्न मित्र थे, हमारे वरिष्ठ मित्र थे। बाल सुलभ चपलता उनका विशेष गुण था, जिज्ञासु स्वभाव के थे और इन 50 सालों की पत्रकारिता में उन्होंने जो मानदंड, जो मापदंड स्थापित किए वो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। आज वो शरीर में नहीं रहे, इस नश्वर शरीर को छोड़कर उनका जो चेतन भाग है, जो चेतन आत्मा है वो अनंत अंतरिक्ष के लिए निकल चुकी है। परमात्मा उनकी चिर पवित्र आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके परिवार जनों को इस दुख की घड़ी में, इस महान, इस विपदा को, इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करें, सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं बॉम्बे टॉकीज, संस्कृत महानायक, संस्कृत शिरोमणि महर्षि आज़ाद और सनातनी महिला निर्मात्री श्रीमती कामिनी दुबे जी की तरफ से, बॉम्बे टॉकीज परिवार की तरफ से उनको भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी ने अनेक महत्वपूर्ण काम किए अपने पत्रकारिता के जीवन में, अपने पत्रकार जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नवीनतम जो काम उन्होंने किया कि उन्होंने अपने 50 सालों की, 50 वर्षों की तपस्या को, अपनी शोध को शोध प्रबंध के रूप में संकलित कर उसे किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया आने वाली पीढ़ियों के लिए, सिनेमा प्रेमियों के लिए, वैश्विक सिनेमा दर्शकों के लिए और सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए। एक पाथे सिद्ध होगी उनकी किताब। बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक सदस्यों की त्रिवेणी, जिनमें हिमांशु रॉय, देविका रानी और राज नारायण दुबे जी थे, तो राज नारायण दुबे जी के साथ कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी का बड़ा ही अभिन्न और पारिवारिक संबंध था। उन्होंने अपनी आँखों से राज नारायण दुबे और बॉम्बे टॉकीज से उनके संबंध को देखा, जाना, परखा, समझा और उसे अपने शोध प्रबंध में बहुत ही विशेष रूप में प्रस्तुत किया। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव वस्तुतः पत्रकार तो थे ही, लेकिन उच्च कोटि के मानव थे और सत्य के प्रति उनकी जो जिजीविषा थी, सत्य के प्रति जो उनकी ललक थी, सत्य के प्रति जो उनका समर्पण था, इसके लिए पूरे जीवन भर वो सत्य के साथ संघर्ष करते रहे। सत्य को उघाड़ने के लिए, सत्य को बाहर लाने के लिए प्राणपण कोशिश करते रहे, चेष्टा करते रहे। तो आज इस बहुत ही दुखद स्थिति है, दुखद समय है। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज ना तो वो बॉम्बे टॉकीज फिर कभी आएंगे, ना हमारे साथ बैठकर चाय का आनंद लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे या ग्रीन टी की फरमाइश करेंगे। तो ऐसा अभी मतलब एक अभिन्न मित्र खोने का जो दुख है, जो दर्द है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कल रात को उन्होंने आखिरी सांस ली और इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी, परमात्मा
आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें। कुछ क्या कहें क्या बोलें, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, अलविदा अलविदा अलविदा।